हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल पंजाबी मसालेदार रसोई। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेरी ऑल टाइम फेवरेट ड्रिंक पंजाबी लस्सी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने इधर लिया है 400 ग्राम दही। दही के बाद स्वाद अनुसार चीनी, जितना मीठा पीना पसंद करते हैं उतना डालें। उसके बाद मैंने इधर लिए हैं आइस क्यूब्स। अब आप एक मिक्सर जार लें, उसमें आप अपना दही डालें। दही को डालने के बाद आप उसमें डालें चीनी, और हम इस लस्सी में बिल्कुल भी पानी नहीं यूज़ करेंगे, हम इसमें सिर्फ आइस क्यूब्स यूज़ करेंगे। वैसे तो लस्सी ठंडी ही अच्छी लगती है, लेकिन आप जितना ज़्यादा ठंडा पीना पसंद करते हैं आप उतने आइस क्यूब्स अपने हिसाब से डाल लें। अब हम 1 से 2 बार रुक रुक के अपनी लस्सी को मिक्सर जार में चला लेंगे, और हमें इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप पानी डाल देंगे तो ये इतनी ज़्यादा क्रीमी और झागदार लस्सी नहीं बनेगी जैसे कि अभी बनी है। तो देखिए, हमारी लस्सी बनके तैयार है। अब हम इस लस्सी को अलग अलग ग्लासेस में पोर कर देंगे। तो देखिए, हमारी जो लस्सी है वो कितनी ज़्यादा क्रीमी और झागदार बनी है। और अभी तो वैसे भी कोरोना जो है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो इसलिए आप बाहर की लस्सी ना पी के घर पर ही ठंडी ठंडी पंजाबी लस्सी बनाएं। और अब हम जो है लस्सी को सीधा ऐसे नहीं पियेंगे। मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी केसर की कलियाँ डाली हैं। अगर आपको इलायची का फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप उसको भी ऊपर से डाल सकते हैं। केसर को डालने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ बादाम क्रश करके। क्रश करने के बाद जो है बादाम वो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, और जब आप उसे लस्सी के साथ पीते हैं तो उनका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा लाजवाब आता है। तो देखिए, मैंने अपने दोनों ग्लासेस में बादाम को डाल लिया है। देखिए लस्सी कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है और बिल्कुल बाजार जैसी लग रही है। Thanks for watching. Don't forget to hit the like button, subscribe to the channel and press the bell icon to never miss another update from Punjabi Masaledar Rasoi.